इस दिवाली पर अगर आप दीवार घड़ी को लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा इस खबर को पढ़ लीजिए। हम आपको ऐसी घड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पर्यावरण के संरक्षण का काम तो करेगी ही, साथ ही आपके घर की सुंदरता बढ़ाएगी और आपके घर का जो वास्तु दोष है उसे दूर कर नकारात्मकता से सकारात्मकता का संचार करेगी। दरअसल गाय के गोबर से बनी वैसे तो आपने अलग अलग तरह की चीज़ें देखी होंगी जिसमें मूर्तियाँ, गोबर की शील्ड, मोमेंटो, शुभ लाभ, श्रीयंत्र, लेकिन गोबर से दीवार से घड़ी भी बन सकती है और वो भी बेहद सुंदर, शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सागर में पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने वाली एक समाज सेवी संस्था विचार समिति के द्वारा अलग अलग डिजाइन की 30 त्यौहार के हिसाब से दीवार घड़ी निर्मित की जाती हैं जिनकी काफ़ी दूर दूर तक डिमांड है। खास तौर पर किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक कार्यक्रम में गिफ्ट देने के लिए इन घड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। वहीं अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है तो गाय के गोबर से बनी घड़ी को आप वहां लगा लें तो वह दोष दूर हो जाएगा। विचार समिति की सुनीता जैन बताती हैं कि जैसे जैसे तीज त्यौहार आते हैं वैसे वैसे उस तरह की घड़ी निर्मित की जाती हैं। गणेश जी के समय पर गणेश जी आकृति वाली, नवरात्रि की दुर्गा जी समय वाली, अभी दीपावली का समय आया है तो लक्ष्मी जी और भगवान गणेश के चित्रों वाली घड़ी तैयार की गई है। और क्या क्या बनता है? गोबर के दिए के अलावा हमारे पास घड़ी मिलती है, जैसे सीजन हुआ, जैसे अभी नवरात्रि थी तो नवरात्रि के में अंबे माँ की मूर्ति, उसके साथ में गणेश जी आते हैं तो गणेश जी की, अभी दिवाली है तो गणेश लक्ष्मी जी की भी घड़ियाँ बनाते हैं। और उसके बाद में सील्ड है, मेमोंटे जिस प्रकार के भी बोलते हैं वो तैयार हो जाते हैं। और घड़ी में भी दो तीन प्रकार की घड़ी है, कमल वाली है और जो भी अपने गुरु को मानते हैं उन गुरु को भी हैं, और गणेश जी भी बनाते हैं, शुभ लाभ वगैरह ये सब। कैसे तैयार होती हैं ये जो घड़ियाँ हैं? घड़ी के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, तो यदि वो चाहें तो एक दिन में एक महिला 10 घड़ी बना सकती हैं, जिसका हम उनको 25 रुपये बनवाई देते हैं, फिर डिज़ाइनिंग का अलग देते हैं। कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है इन घड़ियों का? ये घड़ी तो गिफ्ट के लिए सभी लोग ले जाते हैं, और घर पे यदि हम इस घड़ी को जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से नेगेटिव थिंकिंग जा रही है, यदि वहाँ पे वो घड़ी टांग दी जाती है तो वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है।